हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू हेड गर्ल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक जो मैंने आज क्रिएट किया है। तो ये बहुत ही एक पर्पल मोनोक्रोमेटिक टाइप का लुक है, इसलिए मैंने आज ड्रेस भी पर्पल पहनी है। आपको थोड़ा ब्लैकिश दिख रहा हो क्योंकि ये डुओ क्रोम टाइप का है, मतलब पर्पल एंड ब्लैक दोनों मिक्स टाइप का दिखता है। तो इसलिए मैंने ड्रेस भी पर्पल आज डाली क्योंकि एक मोनोक्रोमेटिक लुक होने वाला है। लिपस्टिक भी थोड़ा पर्पल टिंटेड है। तो मैं सिर्फ आपको आई लुक दिखाने वाली हूँ क्योंकि बाकी सारा मेकअप का मैंने जो भी वीडियोज़ किए उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और कमिंग टू इंस्टाग्राम, तो अगर आप ये लुक क्रिएट करते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर दीजिएगा, हैंडल में एक ही डाल दूंगी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मुझे वहाँ फॉलो भी कर लीजिएगा क्योंकि आई एम ट्राइंग टू मेक इंस्टाग्राम अट्रैक्टिव। और वहाँ पर मैं रेगुलर अपलोड्स भी करते रहती हूँ और अपडेट्स भी देते रहती हूँ कि मैं क्या कौन सा वीडियो अब नेक्स्ट करने वाली हूँ। आप सजेशन भी दे सकते हैं कि आप इस बारे में वीडियो बनाऊँ। ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं चैनल के नेम के बगल में रखेगा सब्सक्राइब बटन, उसे हिट कर दीजिएगा। उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन है, उसे भी हिट कर दे ताकि आपको मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलता रहे। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नेक्स्ट मैं अपना NYB का कंसीलर लेके अपने आईलिड्स को कंसील करूंगी। एंड देन कंसीलर का पाउडर करूंगी मेरा मीनाओ का ट्रांसलूसेंट पाउडर से। नेक्स्ट आते हैं आई शेडो के ऊपर। तो आई शेडो की मैं सबसे पहले यूज़ करने वाली हूँ लैक क्यू ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो। ये है शेड नंबर 08। ये पर्पल टाइप का, थोड़ा डार्क पर्पल टाइप का कलर है। एक्चुअली एक लिक्विड आई शेडो है। इसको मैं सबसे पहले अपने क्रीज वाले एरिया से ऊपर थोड़ा इस तरह से लगाऊंगी, इसे ब्लेंड करूंगी फटाफट। थोड़ा थोड़ा करके लगा के ब्लेंड करूंगी, एक ही बार ज़्यादा लगा लूंगी तो फिर वो पैची हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं इनर कॉर्नर से लेके मैंने आउटर कॉर्नर की तरफ, आउटर कॉर्नर की तरफ ज़्यादा कलर रखा है और अंदर की तरफ कम कलर रखा है। अब नेक्स्ट टाइम मैं कंसीलर लूंगी एंड क्रीज को थोड़ा क्लीन करूंगी। नेक्स्ट इसे पाउडर सेट करेंगे। मैं इस तरह का फ्लफी ब्रश ले रही हूँ। नेक्स्ट मास्क का शेडो पैलेट लेंगे, अपने आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे प्लेस करेंगे। सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ देन अब इनर कॉर्नर पे। ये कट क्रीज एंड हेलो आई हो गया। नेक्स्ट मैं अपना जैकलिन हिल का पैलेट लूंगी। ये जो कॉर्नर में जो शेड है पर्पल टाइप का, आपको कैमरा पे इंडिगो देख रहा हो बट ये एक्चुअली पर्पल काइंड ऑफ शेड है, इसे यहाँ जो बीच में मैंने जगह छोड़ा है वहाँ पे फिल करूंगी। नेक्स्ट मैं ब्लू हेवन का एक लाइनर ले रही हूँ इन द शेड नंबर 5। ये थोड़ा सिल्वरिश पर्पलिश टाइप का है एंड देन जहाँ मैंने क्रीज कट किया था वहाँ पे इस लाइनर को लगाऊंगी।
अब मैं बाकी सारा मेकअप करके आपके साथ वापस आती हूँ। तो गाइज मैं सारा मेकअप करके वापस आ चुकी हूँ एंड दिस इज द फाइनल लुक। एंड अपने बैंग से कुछ कर नहीं सकती इसलिए मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने साइड करने कोशिश करी थी बट ये बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा था। सो या दिस इज द फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं चैनल के नेम के बगल में रखे हुए सब्सक्राइब बटन उसे हिट कर दीजिएगा, उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आगे मेरे सभी वीडियोज़ के आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप ये लुक रिक्रिएट करते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर दीजिएगा, हैंडल मैं यहीं डाल दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। ऑल्सो मुझे आप फॉलो भी कर लीजिए क्योंकि मैं वहाँ आजकल बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मेकअप कर रही हूँ एंड कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम एक सीरीज चलाते रहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो भी कर लीजिएगा। फिर से बता देती हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो अगर आपको लेना हो तो आप डायरेक्टली वहाँ जाके क्लिक करके ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय। Life is just...